नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजन और आज हम 6th क्लास के मैथ्स का 2nd चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट्स। तो यहाँ पे आपको सम निकालना है, यानी कि सबको जोड़ना है, ऐड करना है, रीअरेंजमेंट्स में यानी कि अलग अलग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है और फिर ऐड करना है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जिस भी ऑर्डर में ऐड करेंगे इन सबको रिजल्ट एक ही आएगा, अगर नहीं आता तो वो गलत है और आना ही चाहिए तभी सही है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर हम डालेंगे और कैसे ऐड करेंगे। तो सोल्यूशन देके स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहला ऑर्डर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 873 हमने लिख दिया, प्लस 208 है हमारे पास और इन दो को हम पहले ऐड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उस चीज़ को हम अलग से 363 के साथ ऐड करेंगे। तो पहले इसको करके देखते हैं, बाकी ऑर्डर बाद में देखेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए 873 को 208 के साथ ऐड करते हैं। तो 8, 9, 10, 11, 1 यहाँ पे 1 है, 7 प्लस 1 हो गया 8 और 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पे हमारा 1081 हुआ है और इस चीज़ के साथ क्या ऐड करेंगे, 363 को। तो ये करते हैं यहाँ पे 363, तो 3 प्लस 1 4, 8 9 10 11 12 13 14 में से यहाँ पे 4 1, 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे 1, तो 1 ट्रिपल 4 है, तो 1 4 4 और 4। नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। इसमें हम 873 पहले वाले को तो एज इट इज़ लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे था ना हमारा 208, अब यहाँ पे लिख देते हैं 363, तो प्लस 363 और इन दोनों को पहले ऐड करके जो रिज़ल्ट होगा उसके साथ हम 208 को अलग से ऐड करेंगे। तो ये भी ऐड करके देखते हैं। आइए तो हमारे पास है 873 और 363, तो 3 प्लस 3 6 और 7 8 9 10 11 12 13, 3 1 है हमारे पास, तो 8 9 10 11 प्लस 1 12, तो 1 2 3 6 और यहाँ पे लिख दिए हम 1 2 3 6 और अब इस चीज़ को ऐड करेंगे 208 के साथ। तो 208 के साथ ऐड करते हैं, तो 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे 4, 3 प्लस 1 हो गया 4, 2 प्लस 2 4 और यहाँ पे 1। तो ये हमारा करेक्ट ही आ गया, क्योंकि पहले वाले पे 1 ट्रिपल 4 आया था, यहाँ पे भी 1 ट्रिपल 4 है। अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट ऑर्डर, देखिए अब यहाँ पे हम सेकेंड वाले को पहले लिखते हैं 363, 363 प्लस 208 और अब क्या करेंगे 873 को हम अलग से ऐड करेंगे। तो पहले इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कितना होता है, 363 और हमारे पास है 208, तो 8 9 10 11 1 और 6 प्लस 1 हो गया 7 और 3 प्लस 2 5, तो 571 होता है यहाँ पे हमारा 5 7 काट के लिख देता हूँ मैं 571 और अब यहाँ पे ऐड करेंगे 873 को इसके साथ। तो देखते हैं अब क्या होता है हमारा, अगर 873 को ऐड करते हैं, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 7 होते हैं 14, 14 में 4 यहाँ पे बैठ गया और 8 9 10 11 12 13 एंड 1 14, तो अगेन 1 ट्रिपल 4 होता है यहाँ पे, तो 1 ट्रिपल 4। तो अब देखिए हमारा लास्ट एक ऑर्डर बचा है, क्या देख लेते हैं अच्छे से या फिर हो गया है। तो हाँ, यहाँ पे हमारा तीनों ऑर्डर हो गया है। देखिए पहले हम 873 और 208 को एक साथ किए अलग रखे, 363 को यहाँ पे, इन दोनों को एक साथ रखे, 208 को अलग रखे और यहाँ पे अलग रखे 873 को। तो तीनों में हमारा 1444 निकलता है और हमने ये शो कर दिया है कि अलग अलग तरीके से अरेंज करके कैसे इसे ऐड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास है 4 नंबर, तो ऑर्डर्स भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। पहले हम इन 3 को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको ऐड करेंगे और ये चीज़ रिपीट होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें से इन तीनों में से एक को चेंज कर देंगे, उसको अंदर ले आएंगे, ऐसे करके करेंगे। तो एक एक ऑर्डर करके आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ और जो नॉर्मल ऑर्डर है उसी में पहले इन तीनों को ऐड करते हैं। देखिए कैसे मैं ऑर्डर रखूँगा। तो इन तीनों को मैंने एक साथ रख दिया और अलग में रखूंगा 6, 4, 7 को। तो अभी इन तीनों को ऐड करके देखते हैं, जो होगा उस चीज़ को इसके साथ ऐड करेंगे। तो हमारा पहला कैलकुलेशन क्या होगा, 1, 9, 6, 2, 4, 5, 3 एंड 1, 5, 3, 8। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और हमारे पास 1 था तो हो गया 15। तो 5 और हमारे पास है अभी 1। तो 5 + 4 9, 9 + 9 18, +1 19। तो यहाँ पे आएगा 9 और 1 + 1 2 + 1 3। तो 3953 ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं 3953 और किसके साथ ऐड होगा, 6, 4, 7 के साथ ऐड होगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6, 4, 7। 7 + 3 10 0 1 है हमारे पास। 5 + 4 9, +1 10 0 1 है हमारे पास। 9 + 6 15, +1 16, 6 और हमारे पास है 1 3 + 1 4। तो 4600 यानी कि 4600। तो ये है हमारा टोटल जो आया है वैल्यू 4600। अब जो भी बाकी ऑर्डर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उनका भी सेम अगर रिजल्ट आता है तो इसका मतलब है कि हम सही कर रहे हैं, वरना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब जो 1538 है इस नंबर को मैंने बाहर रख दिया है और ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो आइए अब इन तीनों को ऐड करके देखते हैं पहले कि क्या होता है। तो 7 + 3 10, +2 12, 12 में से 2 हमारे पास है 1। 5 + 4 9, 10 11 12 13 14 15 और हमारे पास है 1 तो हो गया 16 और यहाँ पे 6। फिर हमारे पास है अभी 1। तो 6 + 4 10, +9 हो गया कितना 19, +1 20, 20 का 0 हाथ में है 2 तो 2 + 1 3 तो 3062 हो गया इसका आंसर। तो इन सबको ऐड करके हुआ हमारा 3062, जिसके साथ क्या ऐड होगा, जिसके साथ होगा 1538। तो 1538 याद रखिएगा 4600 आएगा तभी करेक्ट होगा। तो 8 + 2 10, यहाँ पे 0 हमारे पास है 1। 6 + 3 9, +1 हो गया 10 तो 0 फिर से हमारे पास है 1। तो 5 + 1 क्या होता है 6 और 3 + 1 4 तो 4600 आया है यानी कि करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4600। तो ये हमारा ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए कैसे आप ऑर्डर को अरेंज करेंगे, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे बाहर में कौन सा वाला नंबर था 647 था। इसमें हमारे पास बाहर कौन सा है 1538 और अब हमारे पास बाहर में कौन सा है 453। उसके बाद हमारा लास्ट ऑर्डर होगा जिसमें बाहर कौन सा नंबर होगा 1962। हमेशा याद रखिएगा कि जितने नंबर्स होंगे उतने ऑर्डर्स होंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर्स है ना, तो हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर होंगे 4 ऑर्डर होंगे। 2 हमने यहाँ बनाए हैं, पिछले पेज में 1 बनाया था और इसके बाद 1 और बनाएंगे तो 4 ऑर्डर हो जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो आइए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे 8 + 2 10, +7 हो गया 17 तो यहाँ पे 7 हमारे पास है 1। 6 + 4 10, +3 13, +1 14 तो यहाँ पे 4 हमारे पास है अभी 1। तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लस हमारे पास 1 है तो हो गया 21 तो वहाँ पे 1 हाथ में है 2। 1 + 1 2, +2 4 तो 4147 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे क्या है 4147 और अब देखना है कि क्या इसको ऐड करके हमारा 4600 आ रहा है या नहीं। 453 अगर नहीं आता तो रॉन्ग है या फिर करेक्ट है। 7 + 3 10 0 हाथ में है हमारे पास 1। 5 + 4 9, +1 10 0, 4 + 1 5, +1 6 और यहाँ पे 4 तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इसके साथ क्या लिखेंगे हम 453 और इन दोनों को ऐड करके आया हमारा 4600। तो आइए अब हम लास्ट ऑर्डर को लिख देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1962 को अलग रख दिया है। अब फिर से हम यहाँ पे इन तीनों को ऐड करते हैं। आइए, तो किन किन नंबर्स को हमें ऐड करना है, 6, 4, 7, 1, 5, 3, 8 और 4, 5, 3 को ऐड करना है। तो 7 + 3 हो गया 10 प्लस 8, 18, तो 8 हमारे पास है 1। 5 + 4, 9, 10, 11, 12 हमारे पास है 1, तो हो गया 13, यहाँ पे 3। 6 + 4, 10 + 5, 15 प्लस हमारे पास 1 है तो हो गया 16। 16 का 6 हमारे पास है 1 और 1 2, तो 2, 6, 3, 8। और इसको किसके साथ ऐड करना है, 1962 के साथ। 1962 तो कर लेते हैं ऐड, 1962। 8 + 2, 10, 0 हमारे पास है 1। 6 + 3, 9 प्लस 1, 10 हमारे पास है 1। 9 + 6 हो गया 15 प्लस 1, 16, तो 6 हमारे पास है 1। 2 + 1, 3 प्लस हमारे पास जो 1 है हो गया 4, तो इसमें भी हो गया 4, 6, 0, 0, तो यानी कि करेक्ट है। तो ये हमने चारों ऑर्डर दिखा दिए। ये था हमारा पहला ऑर्डर यानी कि लास्ट वाला ऑर्डर, उसके बाद ये है सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर। तो बिल्कुल सिंपल है अगर देखें तो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक्यूरेटली आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस थे एक नंबर में, बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इस एक्सरसाइज में और बाकी भी एक्सरसाइज में, या फिर आपको जिन जिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी ज़रूरत है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनकी वीडियोज़ बनाऊँ। तो टेक केयर।